हेलो दोस्तों दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका लाइफस्टाइल न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों टोनिशा की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मनीषा रानी और टोनी कक्कर की जोड़ी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और अभी हाल ही में दोनों का जमुना पार सॉन्ग आने के बाद और भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोनों के फैंस ने दोस्तों दोनों की जोड़ी बना दी है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है दोनों के बीच में इस गैप कितना है? तो चले दोस्तों आप सभी को मैं इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप टोनिशा के फैन हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सबसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए इसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो चले दोस्तों आप छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टोनी कक्कर की। टोनी कक्कर को दोस्तों आप सभी टोनी कक्कर के नाम से जानते हैं, लेकिन आप सभी दोस्तों बता दो उनका रियल नेम विपिन कक्कर है। और टोनी कक्कर दोस्तों पेशे से सिंगर और म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट है। और टोनी कक्कर का जन्म दोस्तों 9 अप्रैल 1984 को ऋषिकेश में हुआ, जो कि उत्तराखंड में है। और टोनी कक्कर दोस्तों 2023 के हिसाब से 39 साल के हो चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मनीषा रानी की। मनीषा का रियल नेम दोस्तों मनीषा रानी है और मनीषा पेशे से एक्ट्रेस, डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और मनीषा का जन्म दोस्तों 10 जून 1997 को मुंगेर में हुआ, जो कि बिहार में है। और मनीषा दोस्तों 2023 के हिसाब से 26 साल की हो चुकी है। और अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ दोनों के बीच में इस गैप कितना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने बताया, टोनी कक्कर 39 साल के हो चुके हैं और मनीषा रानी 26 साल की हो चुकी है। तो इसी हिसाब से दोस्तों दोनों के बीच में इस गैप 13 साल का है, यानी कि टोनी कक्कर मनीषा से 13 साल बड़े है। लेकिन वैसे दोस्तों आप सभी को दोनों की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट में जरूर से बताइए। और यही थे दोस्तों मनीषा रानी और टोनी कक्कर की इस गैप की जोड़ी। अगर आपको दोस्तों वीडियो जरा से पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।